जय हनुमंत है, ओबीसी महापंचायत राष्ट्रीय शहर है। आज के इस होली पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है, ये एक अधर्म पे धर्म की जीत का प्रतीक जो है, और होली का त्यौहार जो है ये एक भाईचारे का त्यौहार है। और इसको अगर देखा जाए तो इसमें जब आप आज होली के अलावा कल जो धुरेली का इसका स्वरूप होगा वो ये होता है कि इसमें ना तो कोई छोटा रहता है ना कोई बड़ा रहता है, सभी एक रंग में ऐसे रंग जाते हैं जिनका कि कह नहीं सकते। अगर इसको देखा जाए तो हमारी पुरानी परंपरा और भारतीय संस्कृति जो एक प्रकार से बनी हुई है कि जिसमें समय समय पर हर महीने दो महीने चार महीने में ऐसे त्यौहार जरूर आते हैं जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, भाईचारा रहे, जात में ऊंच नीच नहीं रहे, ये करते हुए बरोबर लगा रहता है। और भारत देश एक ऐसा है, भारत माँ एक ऐसी है, इस संस्कृति के अंदर कई वीर और कई जो पैदा हुए हैं। और मैं सभी से वापसी से कहना चाहता हूँ, हमारे उकाड़ा जी भाई साहब जो बाइट ले रहे हैं और बाकी भी उदयपुर समस्त शहरवासियों को, मेवाड़ को और संपूर्ण देश को, कि एक बहुत ही प्यारा त्यौहार है और इस त्यौहार को आप अच्छी तरह से मनाएं, बच्चे मिठाई भी खाएं और गुलाल लगाएं। और कलरफुल फेस्टिवल इसलिए भी कहा जाता है, दूसरे दिन आप कलर लगा के आपस में एक भाईचारे का, और दूसरा कोई भी छोटा सा बड़ा भी गुलाल लगा के इस त्यौहार को मना सकना है। और ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है, इसी के साथ बहुत बहुत बधाई आप सभी समस्त देशवासियों। सभ्यता को बचाने के लिए हर जैसे सवेरे से एक बार काम होती है और जैसा एक फसल हटने के बाद दूसरी फसल लगती है, तो मेरा ये है कि आप इसको ये माने जो होना था जो हो चुका। आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर आने वाले समय में पानी बचाने के लिए कई अलग तरह से बनाए जाते थे, ये किया जाता था। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं भाई 364 दिन सभी जनता ये कह रही है हम 364 दिन पानी करेंगे बचाएंगे, मगर एक दिन ऐसा होगा जब हम होली खेलेंगे। तो आप ये मान के चलेंगे कि भारतीय संस्कृति एक बढ़ के पेड़ की तरह है और उसकी शाखाएं ये जरूर है। निकट 4-5 सालों में आज जो हुआ है कि युवा संस्कृति थोड़ी सी भटक गई है, मगर जब अपने परिवार वाले संस्कृति अपने धीरे धीरे उनको दिया जाएगा, और विज्ञान सुखदायक भी है और दुखदायक भी है, मगर सुखदायक अब धीरे धीरे ऐसा है विज्ञान के माध्यम से बच्चे आज अब देखो आप युवा पीढ़ी, इधर आप मेरी पीछे तरफ देखो तो छोटे बच्चे जो आज इस होलिका के बारे में पहचान रहे हैं, टीवी सीरियल के माध्यम से पहचान रहे हैं, ये आप कहना थोड़ा सा गलत होगा कि ख़त्म हो रहा है। बाकी बात आपकी सही है, मगर इसमें क्या है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। संस्कृति को बचाने के लिए राजनीतिकरण न करें और इस भाईचारे के जो त्यौहार जो पुराने बनाए गए, जैसे अभी आप देखा आज होली है कल गणगौर होगा, तो और दूसरा आप इस संस्कृति में एक चीज देखें, इसके अंदर आपके खान पान चेंज हो जाएंगे। आप अगर देखें दूसरा स्टेट से होते हुए मेवाड़ संभाग में आप देखें, जैसा कि कोरोना काल आया है तो कोरोना काल में भी आप देखें यहाँ हालांकि काफ़ी कुछ हुआ है मगर फिर भी कम हुआ है। उसका कारण ये कि आज की तारीख में युवाओं ने पिज्ज़ा ब्रेड बर्गर को उसकी तरफ अपना रुझान कर लिया है। अगर आप देखें तो आज के बाद जैसे कल पपड़ी होगी पकोड़े होंगे, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग खट्टी छाछ का चलन जैसे घरों में होने लग जाएगा, दही छाछ का होने लग जाएगा, शीतला माता जो आने जा रही है कि अपने आप मतलब हमारे पूर्वज इतने महान थे उनको पहले से पता था कि 8 दिन बाद ही अब जैसे संस्कृति का चालू होगा, आप दही जमाने लगेंगे, लस्सी पीना लगेंगे, पोलियो बना के पियेंगे, तो वो उसका ये होता था। दूसरा हिंदू संस्कृति में अगर आप देखें तो 16 संस्कार होते, अब वो 16 संस्कार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मुंडन किया जाता है, तो उसका जो मेल मलमूत्र होता है वो सिर से हट जाता है। दूसरा आप देखें उसको, आप देखें लोंग जो पहने जाते हैं आज की तारीख में आप उसको टिटनेस कह सकते हैं, मगर वो टिटनेस ना होकर उसका ऑलरेडी दो लग जाने से 15 दिन के अंदर उसको बुखार आता था और होता था कान का हो जाता। उनकी बुआएँ या उनकी मामियाँ जो उसको कड़े और तंदोरा जो पहनाया जाता था, क्योंकि चांदी एक सिल्वर एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिससे कि दूसरे को किसी प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, ये
ये एक होता था, दूसरा आज आप समझे आज के युवाओं ने कपड़े के अंदर जैसे लंगोट बांधना छोड़ दिया है, तो उससे अंदर जैसे अगर वो कपड़े की लंगोट बांधते थे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये संस्कार जो है, हाँ थोड़ा सा इसमें परिवर्तन जरूर है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर ये नहीं कह सकते, मेरा ये है कि मैं आशावादी जीवन से जीता हूँ, तो शाम हुई है तो ज़रूर सवेरा होगा, और धीरे 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 आज आप देखो ऐसा कोई विज्ञापन नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं हो रहा है जिससे कि ये कह सके अपने आप 12 ही महीने उसका जो दोहन होता था लकड़ी जलाने का, मतलब ये अंधकार पर प्रकाश की विजय है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि असत्य पे सत्य की विजय है, तो इस हिसाब से ये आप उसको न लें, मतलब आज के युवा इसको ले लेते हैं प्रकृति को जलाना ये करना, आप प्रकृति को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हो। आज की तारीख में होली लगाना ये इसलिए था कि मौसम जो था वो परिवर्तन होता था, और मौसम परिवर्तन के साथ अगर आप देखें मेवाड़ में तो ये है कि गेहूं की उमियाँ जो होती थी, पहली खेती होती थी उस खेती को इस पे लिया जाता था, चना है, आप देखो आज लेडीज चना भी कर रही है, तो वो चना है, नारियल जो पानी के अंदर डाल के उसमें आग में जला के और वो किया जाता है, मतलब आप एक पक्ष में देख के उसके दूसरे पक्ष देखें, ये स्वास्थ्य के लिए भी, और दूसरा जब ये कीट पतंगे जो भी होते थे बसंत पंचमी पे एक साथ लोटक जो कीट पतंगे जो फैलते थे जो बीमारी के कारण बनते थे, आज से आप देखें ये होली जली है, जितने भी मच्छर कीट हैं वो अपने आप में धीरे 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 समाप्ति की ओर चले जाएंगे, तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि अपनी संस्कृति खराब है या कुछ लकड़ियाँ जला ली, इतना कुछ हो रहा है उसके अंदर, हाँ ये ज़रूर है, इसके साथ अब ये ज़रूरत है, पहले के समय में तो हर आदमी पेड़ पौधे लगाया जाता था, मगर इसका ये है अगर आज अपन ने होली लगाई है और यहाँ 100 जने आए हैं, हर जना कम से कम 5 पौधे अगर लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि संतुलन प्रकृति का नियम है, वो एक संतुलन पूरा बना रहेगा, ये मेरा इसमें आपसे रहेगा और जनता से भी आह्वान रहेगा जहाँ भी ये मेरा समाचार जो पहुँचे कि आप पौधे ज़रूर लगाएं। अगर आप कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो तुलसी का पौधा लगाएं, आज की तारीख में आपने देखा होगा तुलसी का पौधा एक अमृत समान जो था, लोग बात नहीं मानते थे, आज वो तुलसी के पत्ते लौंग उसकी चाय पीना अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है अपने घर के बाहर एक गमले में जैसे तुलसी लगाएं, आप एक हल्का सा दृश्य ऊपर देखें, आज पुरानी मेवाड़ की परंपरा प्लीज़ थोड़ा सा देखिए आप, जैसे कि माता जी है और उनके पास आप देखेंगे तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो कहने का मतलब हर घर में अगर तुलसी का पौधा लगेगा तो बीमारी का खत्म होगा और संस्कृति जीवित रहेगी। तो ये थे हमारे ओम जी भाई साहब जय हनुमंते, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने प्रदान की है, आशा है कि हमारे देशवासियों को लोगों को ये आपकी बातें हमेशा उनके कानों में गूंजती रहेगी। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी संस्कृति इस नशे के कारण नष्ट होती जा रही है, धर्म नष्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, आप क्या मानते हैं? सर मैंने आपको बताया था विज्ञान सुखदायक है दुखदायक, आज की तारीख में माँ बाप जो है पिता पुत्र पहले क्या होता था एक सामूहिक रहा करते थे, सामूहिक परिवार का जो विखंडन हुआ उसी का ये नतीजा है। आज आप देखो माँ बाप हालांकि दोनों जने नौकरी कर रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार कर रहे हैं, मगर अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए उनको आया रखनी पड़ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही चूल्हे में होता था, पुराने दादा दादी से वो संस्कार और वो कविता ली जाती थी, क्योंकि जब वो माँ बच्चे जो होते हैं वो जब माँ बाप अगर छोड़ के चले जाते हैं तो वो आया के रूप में उसको पालती है, वो रात को 10 बजे आते हैं, उसको टीवी का रिमोट और मोबाइल दे दिया जाता है, और उस समय क्या है काफ़ी सीरियल जो है, मगर हाँ अब आप देख रहे हैं जो इस पिक्चर के अंदर और अब धीरे धीरे जो संस्कृति में सीरियल जो चालू हुए हैं वो धार्मिक संस्कृति के सीरियल चालू हुए हैं, और बच्चों को अब माँ बाप को चाहिए कि देखो फेसबुक पे और धीरे धीरे ऐसे भी चलने लगे हैं कि बच्चे माँ बाप खुद देखने लगे कि अपन इनके साथ जो गलत कर रहे हैं ये मेरे आने वाले समय में दादा दादी के साथ भी ऐसा होगा या हमारे साथ होगा, तो बदलाव की ज़िंदगी है और जो प्रकृति एक करवट लेती है उसके बीच का ये थोड़ा सा ये मामला है। आप देखें 6 साल से अभी तक काफ़ी कुछ संस्कृति में बदलाव आया है, लोगों में भावना देखी है, मंदिरों में जाना चालू किया है,
मंदिरों में अगर जाते थे तो उसको संस्कार मिलता था, आज माँ बाप आप देखे साथ में लेके घूम रहे हैं, तो आप इसको ये करवट का समय है सर। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, जरूर है आपके पास, सहमत हूँ मैं ये नहीं कह सकता, जैसा कि आप कह रहे हैं आधी बोतल खाली है, आधी गिलास खाली है, आधी भरी है, नज़रिया है, मगर हाँ आप धीरे धीरे नज़रिया बदलने लगा है और ज़रूर बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है होली का पर्व जो सीधा दृश्य है, सुभाष चौराया, सुभाष नवयुग मंडल द्वारा होली का दहन हो चुका है और अब ये समाप्ति की ओर है। अब हम भी लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में एक नए जोश के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। लगभग समाप्त हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का, जो भी आप यहाँ पधारे। हैप्पी होली।